जी कैसे हो आप। मैं आपकी एस्ट्रो आशा आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा मंदिर। अक्सर लोग कहते हैं कि हम डेली मंदिर में जाते हैं फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, पता नहीं भगवान हमारे लिए तो सोया पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली मंदिर में जाते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन कहीं आप मंदिर में खाली हाथ तो नहीं जाते। अगर आप मंदिर में खाली हाथ जा रहे हैं तो आप वहां से हमेशा खाली ही वापस आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब भी मंदिर में जाएं कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं। जब भी आप अपने घर से निकले तो कुछ जल चावल फूल वगैरह कुछ भी लेकर भगवान के लिए जरूर जाइए। अगर आप उन्हें वहां पे कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो आपकी सभी इच्छाओं को जरूर पूरी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाइक पे मंदिर जाते हैं तो लोटा कैसे लेकर जाएं, तो कोई बात नहीं ना, आप थोड़ा सा जल अपनी बोतल में डाल लीजिए और मंदिर में ले जाइए और वहां पे अपने लोटे में डालकर आप उनको जल चढ़ा दीजिए। लेकिन आपको अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना है। आप सब जानते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के पास गया था तो 3 मुट्ठी चावल लेकर गया था, लेकिन बदले में कृष्ण जी ने क्या दिया ये सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जब भी मंदिर में जाएं कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं। जय माता दी।